हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे पारा टीचर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के आ चुका है पारा टीचर के ऊपर। जी, आपने सही सुना, पारा टीचर के ऊपर बहुत बड़ी खबर निकल के आ चुका है। दोस्तों, अगर आप एक पारा टीचर हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको पारा टीचर से रिलेटेड जानकारी सबसे पहले सबसे तेज हमारे चैनल पर दी जाती है। दोस्तों, पारा टीचर के लिए क्या खबर निकल के आई है, आइए तो इस वीडियो में आपको जानने को मिल जाएगा। रघुवर सरकार का बड़ा ऐलान, इन पारा शिक्षकों की जाएगी नौकरी आज से। जी हाँ, आपने सही सुना, हमारे तमिलनाडु में देख लिया कि रघुवर सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया कि सभी पारा शिक्षक की जा सकती है नौकरी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, आपका लाइक पाना हमारे लिए सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बस ये चैनल पारा टीचर के लिए बनाया गया है। बस दोस्तों, ये खबर रांची से निकल गया है। पारा शिक्षकों ने कहा है कि प्रस्तावित झारखंड पारा शिक्षक नियोजन सेवा शर्त नियमावली बहुविक लागू की जाती है। तो 65,000 पारा शिक्षकों में से 60,000 की नौकरी चली जाएगी। एकीकृत पारा शिक्षा संघ मोर्चा ने मुख्यमंत्री रघुवर दास, शिक्षा मंत्री नीरा यादव, प्रधान सचिव एसपी सिंह तथा राज्य परियोजना निदेशक उमशंकर सिंह को ज्ञापन भेजकर नियमावली के लेकर प्रधान का विरोध किया गया है। साथ ही प्रधान के संशोधन को लेकर सुझाव दिया है। मोर्चा के अनुसार ऐसा लगता है कि यह नियमावली पारा शिक्षकों के नुकसान पहुंचाने और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए बनाई गई है। पारा शिक्षकों ने कई अनुभव के आधार पर वेतनमान देने की मांग की है। टेस्ट पास होने तथा प्रतिशत होने पर वेतनमान पर व ग्रेड पे अंतर किया जा सकता है। यह भी कहा है कि वेतनमान देने के लिए संयुक्त आकलन परीक्षा का आवश्यकता हो तो टेस्ट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों को इसे छूट देते हुए तत्काल प्रभाव का नियोजन कर वेतनमान दिया जाएगा। शेष पारा शिक्षक के लिए परीक्षा अनिवार्य है, लेकिन इसकी प्रक्रिया भी सरल करने का सुझाव देते हुए परीक्षा की प्रोटीन को भी पूरी तरह बदलने की मांग की गई है। समिति आकलन परीक्षा में शामिल होने के लिए अनुभव की सीमा को 10 वर्ष घटाकर 8 वर्ष करने की मांग की गई है। साथ ही इसकी गणना परीक्षण की अवधि के बजाय नियुक्ति की तिथि से करने को कहा। बता दें कि प्रस्तावित नियमावली पर 10 नवंबर तक सभी पारा शिक्षकों की सुझाव मांगा गया है, यानी 10 तारीख को सभी पारा टीचर से सुझाव मांगा गया। 30% अंक लाने पर ही होगा पास। ग्रेड टेस्ट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों की नियोजन के लिए आयोजित होने वाली समिति आकलन परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद अधिकतम का अंक प्रतिशत करने की मांग गई है। प्रभावित नियमावली में 60% अंक अनिवार्य किया गया है। हालांकि आरक्षण श्रेणी के पारा शिक्षकों को इसे छूट दी गई है। मोर्चा ने बिहार का तर्ज पर महा 100 अंक परीक्षा लेने की मांग की है। प्रस्तावित नियमावली में परीक्षा को प्रोटीन शिक्षक प्रथा परीक्षा की समृद्धि है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि जो पारा शिक्षा समिति आकलन परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो पाता है तो उसे हटाया नहीं जाएगा। उन्हें वर्तमान मानदेय और सुविधाओं के तहत की कार्य करने की छूट दी जाएगी। प्रभावित नियमावली में दो बार में परीक्षा पास नहीं करने वाले पारा शिक्षकों को हटाने का प्रावधान किया गया है। पारा शिक्षकों ने दिया यह भी सुझाव, इसमें प्रदान किया गया कि सामने की शिक्षा अभियान बंद होने पर इस योजना पर खर्च होने वाले भाड़ा वाहन राज्य सरकार करेगी। प्रभावित नियमावली से कोई प्रदान को हटाने की मांग की गई है। समिति आकलन परीक्षा पास करने के लिए न्यूनतम 5 अवसर प्रदान किया जाएगा। नियमावली 1 अप्रैल 2019 से ही लागू होगा। आई होप आपको सारी समझ में आ गई इस वीडियो के माध्यम से कि क्या इसमें आपको कहा जा रहा है कि एग्जाम पास नहीं करते हो तो आपको हटा दिया जाएगा और इसकी सुविधा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा।
मैक्सिमम आपको 60% इसका अंक लाना ही अनिवार्य है और 30% उनको जनजाति को भी लाना पड़े। फ्रेंड्स, आपको वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको पारा टीचर से रिलेटेड जानकारी सबसे पहले सबसे तेज हमारे चैनल पर दी जाती है। इस वीडियो को अगर आपने पूरी अच्छी तरह से नहीं समझा है तो दोबारा प्ले करके आप समझ सकते हो और पढ़ लेगो दोबारा से। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ और भी इंटरेस्टिंग और कमाल के ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।